अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्री होटल बुकिंग करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ना ही आपको किसी किस्म का डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है किसी भी मुल्क के लिए और उसके लिए आपको पता है कि होटल बुकिंग होना ज़रूरी है, तो आप इस तरीके के थ्रू आप होटल बुकिंग फ्री कर सकते हैं विदाउट पेमेंट किए हुए। या फिर आप किसी कंट्री या सिटी में जाना चाह रहे हैं और जहाँ पर आपको रहाइश का कोई बंदोबस्त नहीं है, तो आप घर बैठे बैठे फ्री होटल बुकिंग कर सकते हैं और उसकी पेमेंट जब आप उस होटल में जाएंगे तो वहाँ पर ऑन द स्पॉट क्रेडिट कार्ड या कैश की सूरत में आप अदा कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। ब्राउज़र ओपन करेंगे और ऊपर लिखेंगे booking.com। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वेबसाइट ओपन होते ही आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पर आपने सिटी नेम लिखना है जहाँ की आप बुकिंग करना चाह रहे हैं। मैं मिसाल के तौर पे मैं डाल देता हूँ अमरीकी। अगर आपको होटल का नाम भी आता है तो आप सिटी नेम के बाद स्पेस डाल के उसका नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको चेक इन स्टार्ट करनी है कि किस डेट को आप वहाँ पर रहना चाह रहे हैं। मैं 1 अगस्त को क्लिक करता हूँ। और कब तक आपने रहना है, वो जितने दिनों के लिए आपने जाना है उतने दिन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं 1 दिन की कर लेता हूँ, 1 अगस्त टू 2 अगस्त। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि रूम कितने हैं, कितने एडल्ट कितने हैं, 1-2 पैसेंजर हैं या चाइल्ड भी अगर कोई है तो उसे भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सर्च के बटन को क्लिक करना है। जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग ये नाम लिखे आ रहे हैं होटल्स के, तो जो आपको अच्छा लगे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो लोएस्ट प्राइस भी लिखे आ रहे हैं, लोएस्ट प्राइस फर्स्ट। इसे क्लिक करेंगे तो लोएस्ट प्राइस टॉप पर आ जाएगी। और अगर आप किसी स्टार होटल में रहना चाहते हैं तो स्टार भी आप कर सकते हैं, 5 स्टार से 1 स्टार नीचे अगर देखना चाहते हैं तो वो भी होटल यहां से आपको दिखाई दे सकते हैं। तो यहां पर अभी लिखा आ रहा है सबसे ऊपर 2500 रुपये का, यही होटल है जो सबसे सस्ता है। बाकी नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो प्राइस बढ़ती जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको देखना कि ये किस जगह पे है तो यहाँ पर शो मैप को आप क्लिक करेंगे। शो मैप को क्लिक किया तो ये मैप दिखा रहा है कि इस लोकेशन पर ये होटल है। इसको सैटेलाइट को क्लिक करेंगे तो सैटेलाइट तरह शो हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। इसे मैं बंद करता हूँ। इसके अलावा इसके अंदर और भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, रिजर्वेशन पॉसिबल विदाउट अ क्रेडिट कार्ड, यानी कि क्रेडिट कार्ड के बगैर भी ये रिजर्वेशन आप कर सकते हैं विदाउट एनी डिपॉजिट के भी। और यहाँ पर ये भी लिखा रहा है 7 किलोमीटर फ्रॉम सेंटर से है, सेंटर से 7 किलोमीटर दूर है ये होटल। इसे यहाँ पर क्लिक कर लेना है अगर आप इसी को बुक करना चाहते हैं। अलग से एक विंडो ओपन हो गई है, इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें आपके सामने शो हो रही हैं इसी होटल की। आप देख सकते हैं इसकी पार्किंग वगैरह के सिस्टम भी सामने सब कुछ मौजूद है। इसके आप बेड वगैरह देख सकते हैं। इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि वाईफाई वगैरह भी इस पर फ्री है। इसे रिज़र्व करने के लिए आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन और करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेने हैं कि रूम कितने चाहिए आपको। एक ही चाहिए तो यहाँ पर 1 को क्लिक करना है और आई विल रिजर्व को क्लिक कर देना है। इसे फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे। अभी यहाँ पर आपको सारी डिटेलें डालनी होंगी। यहाँ पर पूछ रहे हैं आर यू ट्रैवलिंग फॉर अ वर्क, अगर आप काम के सिलसिले में जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो हाँ कर यस को क्लिक करना है, नहीं तो नो पे ही क्लिक किए रहने देना है। टाइटल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर नाम आपको डालना है, इधर ईमेल एड्रेस डालेंगे आप,
और ईमेल एड्रेस दोबारा से डालेंगे कंफर्मेशन के लिए। हु आर यू बुकिंग फॉर, किसके लिए कर रहे हैं, इनके आप अपने लिए कर रहे हैं तो यहीं पर क्लिक करेंगे, अगर किसी और के लिए बुकिंग आप कर रहे हैं तो ये सेकंड ऑप्शन को क्लिक करेंगे। नीचे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री कैंसिलेशन, इसकी कैंसिल भी अगर आप करना चाहें तो ये फ्री में है, इसकी कोई चार्जेस नहीं कटेंगे। यहाँ पर गेस्ट आपको सेलेक्ट कर लेने हैं 1, 2, 3, 4 जितने भी हैं। स्मोकर हैं तो इसको स्मोकिंग को करना है, नॉन स्मोकर कर लेना है इनको। फुल नेम आप दोबारा से आप रीचेक कर लेंगे कि ये ठीक है या नहीं। यहाँ पर टिक मार्क लगाई रखे हैं क्योंकि अगर आप इसमें कोई चेंजिंग करना चाहें बुकिंग के अंदर तो आप फ्री में बुकिंग चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको हायर करनी है कार भी होटल के पास तो आप इसे क्लिक कर लेंगे तो वो आपको होटल में ही कार के भी बंदोबस्त कर देंगे। अगर कोई आप स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहते हैं होटल वालों से तो वो भी यहाँ पर आप मैसेज में इनको मेंशन करके बता सकते हैं। और क्वाइट रूम चाहते हैं तो इसे भी क्लिक कर लेना है, और आई वुड लाइक फ्री प्राइवेट पार्किंग ऑन साइट, इसे भी क्लिक करना चाहें तो कर सकते हैं प्राइवेट पार्किंग के लिए। और इसे नेक्स्ट फाइनल डिटेल को क्लिक कर देना है आपको। फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपको भी कॉन्टैक्ट नंबर डालना होगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आप किसे क्लिक कर देते हैं तो इससे ये होगा कि आपका आपने जो मोबाइल नंबर डाला है इसके ऊपर एक मैसेज चले जाएगा, लिंक चले जाएगा। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि इन्हीं की वेबसाइट की एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे आप और इसे गेट एसेस को क्लिक करने के बाद कंप्लीट बुकिंग को क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं कि ये आपकी बुकिंग इस तरह से कंफर्म हो जाएगी। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कंफर्मेशन नंबर भी ये आ गया है आपके पास, पिन कोड भी आ गया है। आप सेम डेट को बारह यहाँ पर जैसा देख सकते हैं, मैंने 1 अगस्त की थी तो उन्होंने बताया कि 2 बजे से लेके 2 अगस्त दिन 12 बजे तक की ये बुकिंग हो चुकी है। अगर आप प्रिंट इसको निकालना चाहें तो यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हैं, और अगर आप सेंड कन्फर्मेशन चाहें तो आप इस मोबाइल नंबर जो आपने मोबाइल नंबर एंटर किया था उसके ऊपर कन्फर्मेशन भी चली जाएगी। उसके अलावा अगर आपका प्रोग्राम रह गया है तो आप इसे यहाँ से कैंसिल योर बुकिंग पर क्लिक करके कैंसिल भी कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे कि अगर आपकी आप किसी डिटेल में कोई फ़र्क आ रहा है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं।